नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DST न्यूज। राजद के उपाध्यक्ष सह पूर्व केंद्र मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह सहित दो बड़े नेताओं की मौत हो जाने के बाद राजद में शोक की लहर है। आज झारखंड प्रदेश कार्यालय में रघुवंश प्रसाद सिंह और राजद नेता जिनकी मृत्यु हुई है उनको लेकर शोक सभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह हैं। सर बताएं, पार्टी को कितनी क्षति पहुंची? डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी का आकस्मिक निधन से पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसका हाल फिलहाल दिनों में इसको पूरा करना संभव नहीं है। जिस तरह हम लोगों के कोल्हान क्षेत्र में हम लोगों के साथी अमिका बनर्जी जी का जो कोरोना जैसे महामारी का शिकार हुए, इसके कोल्हान क्षेत्र में भी पूरा कोल्हान शोकाकुल है और उनका भी जिस तरह डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी का व्यक्तित्व के जो धनी थे उनके कार्यकाल को सब लोगों ने सराहा है। ऐसे व्यक्ति थे जिसके सभी के दिलों में आदर और प्रेम था। आज किसी भी दल में हूँ, डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी का सब लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। राष्ट्रीय जनता दल भी हमारे नेता माननीय लालू यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी शोकाकुल हैं, चूँकि उनके काफ़ी करीबी में से उनकी गिनती होती है। निश्चित तौर पे हमारे नेता प्रतिपक्ष बिहार माननीय तेजस्वी जी भी काफ़ी शोकाकुल है और उनके अंतिम संस्कार में जिस तरह जन सैलाब उभरा उसी से प्रतीत होता है कि ये महान विभूति थे। इनके कर्तित्व का चर्चा हम लोग करते हैं और सब लोगों ने उनके कार्यकाल को एक एक व्यक्ति ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा की और निश्चित तौर से प्रशंसनीय थे। प्रशंसा उन्हीं की होती है जो प्रशंसा करने लायक होते हैं। तो हम लोगों के बीच हमारे नेता नहीं रहे, जिसका दुख पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को है। सर, हमारे बीच जो कैलाश यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह के जिला उपाध्यक्ष थे और उनको थाना में जाकर के रिपोर्ट लिखा करके आ रहे थे और जो हमें जो सूचना मिली है, हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ के SP को फ़ोन किए, मैं भी SP को फ़ोन किया, वहाँ के जो DSP थे उनको फ़ोन लगाए और सब लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि एक अपराधी द्वारा उनकी हत्या की गई और वो काफ़ी बढ़ रहे थे, इससे लोग घबराए हुए थे। आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं, रघुवंश सिंह के चले जाने से जो चिट्ठी वो छोड़ के गए हैं इससे राजनीति भी हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या असर पड़ेगा राजनीति? देखिए, राजनीति जो कर रहा है लोग जी, इसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल को ही मिलेगा, क्योंकि सब कोई जान रहा है कि कोई भी व्यक्ति ICU में जाकर के चिट्ठी नहीं लिख सकता है। चिट्ठी सर ICU में जाने से पहले था, उनकी हैंडराइटिंग है इस पे आप क्या? सबसे बड़ा चीज़ कि हैंडराइटिंग का तो कहीं अथी हुआ नहीं है, ये तो बताया जा रहा है, मगर उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी ने उस चिट्ठी को अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका लगाव हमारे दल से हमसे काफ़ी लगाव रहा है और हम आप जैसे व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हैं, ये भी चिट्ठी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो यहाँ तो
भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन जो है लाश की राजनीति करती है, वही ये चिट्ठी की राजनीति है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों कहते हैं कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, उसी जुमले में एक करीब के रूप में आपके ये चिट्ठी दिख रही है। सर, अब बात झारखंड की करें तो आप दो टर्म से झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, अभी तक नई कार्य समिति का गठन नहीं किया गया है और एक एक करके पदाधिकारी की नियुक्ति हो रही है, जिससे राजद के कई पुराने नेता जो हैं वो नाराज चल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता जुआ तुर्क नेता माननीय तेजस्वी जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी हमारी सरकार है, यहाँ सरकार में बहुत लोग जुटेंगे मगर जो काम करने वाला व्यक्ति छूटे नहीं, इसकी भी चिन्हित करना है। आप पार्टी को मजबूत और धारदार बनाना है, इसके लिए हम लोग तमाम लोग लगे हैं और एक एक लोग जो काम करने वाला व्यक्ति हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जो लोग नाराज हैं, नाराजगी का कारण भी हम लोग जब पार्टी का हम लोग इसके बाद कार्य समिति का बैठक बुलाएंगे और कार्य समिति के बैठक में ही तय होगा कि नाराजगी का कारण क्या है। तो साफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं उनके लिए कार्य समिति का गठन किया जाएगा, बैठक होगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें HD News।